नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिकी यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध लिंकन सेंटर के एवरी फिशर हॉल में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव में फ्रेंड्स ऑफ एमपी वेबसाइट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास जयंती पर दी बधाई। मनरेगा में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर के आरटीओ कार्यालय पहुंचकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवाया। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, संत रविदास ने भाईचारे का जो संदेश दिया था वह आज भी प्रासंगिक है। चौहान ने कहा कि समाज में सहिष्णुता और समानता के लिए संत रविदास द्वारा किए गए कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए संत रविदास द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश तेज आर्थिक विकास की राह पर है। यहाँ उद्योग और व्यवसाय में निवेश का अनुकूल वातावरण है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर शीघ्र ही चीन से अधिक हो जाएगी। इस प्रक्रिया में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। चौहान कल रात न्यूयॉर्क में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर के सबसे भव्य एवरी फिशर हॉल में हुए इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने फ्रेंड्स ऑफ एमपी .com वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कल न्यूयॉर्क में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव में दिए गए उद्बोधन के सुपरिणाम आने भी शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के फ्रेंड्स बने न्यूयॉर्क में रहने वाले डॉक्टर अनिल के शर्मा ने इंदौर के महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और उससे संबंध चिकित्सालय के लिए $10,00,000 देने की घोषणा की है। यह जानकारी मुख्यमंत्री चौहान ने स्वयं ट्वीट करके दी है। मनरेगा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मध्य प्रदेश को 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने मनरेगा के 10वें सम्मेलन में नई दिल्ली में एक समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव को दिया। मनरेगा में 100 दिन का काम करने वाले चयनित श्रमिक और पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि दल ने भी सम्मेलन में भागीदारी की। इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत, रामपाल यादव और निहाल चंद उपस्थित थे।